साहब जी आपकी कॉफी रख दो। साहब जी मैं जानती हूँ आप मानवी भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर एक छोटी चीज से आपकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या हुआ? वो मानवी भाभी के बाबा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें मानवी भाभी की हर एक चीज वापस चाहिए, मतलब उनके कपड़े गहने सब चीजें, यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ रहते जो चीजें खरीदी थी वो सब भी वापस चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन सब पर मानवी भाभी का हक बनता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसे वक्त पे कोई कैसे पैसों की बात कर सकता है, मतलब उनके बेटे की जान गई है और वो ये हिसाब किताब में लगे, और वैसे भी ना मानवी भाभी के बाबा को बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं। साहब जी वो तो बड़े साहब जी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, उन्हें भला बुरा बोल रहे थे, मैं तो दंगी रह गई ये सुनकर कि अपनी बेटी के ससुराल वालों से वो ऐसे बात कर, यहाँ तक कि संध्या मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरे ससुर जी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, वो जैसे भी हैं जो भी हैं मेरे परिवार का हिस्सा है। माफ कीजिएगा साहब जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि एक हादसा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को बदल देता है, मुझे ही देख लीजिए, पति की मौत के बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी, वो तो आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती, लेकिन देखिए ना मैं भी कितनी मनहूस हूँ, इस घर में कदम रखते ही आप लोगों की खुशियां भी छिन गई। देखो कैसी बातें कर रही हो तुम, प्लीज ऐसे मत सोचो, तुम यहाँ पे जो हो रहा है उसके साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम एज इट इज बहुत कुछ झेल चुकी हो और तुमने जो गवाया उसके सामने हम लोगों ने कुछ नहीं गवाया। ओके आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भड़क गया तुम पे, मेरी गलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा, ये मानवी का कबर्ड है और कुछ सामान यहाँ है, कुछ उस कमरे में है, मॉम को पूछ लेना, उसके बैग्स भरवा देना और ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। शुक्र है मैंने मौके पे अपनी चाल बदल ली, वरना ये तो गुस्से में मुझे ही घर से बाहर कर देता, आइंदा मुझे इस राहुल के सामने बहुत सोच समझ के बोलना होगा और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए सबसे पहले इसका भरोसा जीतना होगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। छुप के वार करने में कोई बर्तानगी नहीं है।